दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसकी परीक्षा 10 अक्टूबर से स्टार्ट होकर कल 20 अक्टूबर को समाप्त हुआ। कितना उपस्थिति बना और आपको कितने नंबर पर बुलाया जा सकता है फिजिकल के लिए, दोस्तों बिल्कुल आधिकारिक जानकारी है। इसके अलावा ये भी मैं बताऊँगा कि आपकी आंसर की कब जारी होगी। वैकेंसी के 20 गुना कैंडिडेट तो बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट छटते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिए। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। 2.81 लाख ने दी हेड कांस्टेबल परीक्षा। कहने का मतलब है दोस्तों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो परीक्षा हुई थी, सेंट्रल रीजन की ये इंफॉर्मेशन है। सबसे बड़ा रीजन सेंट्रल रीजन ही माना जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार आते हैं। हालांकि दोस्तों समझिएगा यहां पर क्या कुछ बताया गया है, 6,47,920 कैंडिडेट उसमें शामिल होने वाले थे सेंट्रल रीजन में, लेकिन 2,81,102 कैंडिडेट ही उस परीक्षा में शामिल हुए हैं। 10 अक्टूबर से शुरू हुई दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती परीक्षा 20 अक्टूबर को संपन्न हो गई। इसमें 6,47,920 के सापेक्ष 2,81,102 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, यानी दोस्तों बड़ी संख्या में परीक्षा लोग छोड़े हैं। आगे देखिए, परीक्षा यूपी और बिहार के 17 शहरों में 82 केंद्रों पर कराई गई। परीक्षा के दौरान आगे दोस्तों जो कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे की बात बताई गई है, वही आप लोगों के साथ मैं डायरेक्टली साझा करना चाहता हूं, समझिएगा। भर्ती के लिए देश भर से 23,58,535 आवेदन आए थे, उसमें से यूपी के 2,27,061 और बिहार के 54,041 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के केंद्र के हिसाब से आगे बताया गया है कि उपस्थिति कितनी बनी। सबसे अधिक उपस्थिति भागलपुर में, जिसमें 51.73% रही। उसके बाद गोरखपुर में 39.17%, मेरठ में 48.49% और प्रयागराज में 47.98% उपस्थिति रही। सबसे कम उपस्थिति लखनऊ में, आप लोग एक एवरेजन मान लीजिए कि 45% सेंट्रल रीजन में लगा है उपस्थिति। बट दोस्तों अगर दिल्ली रीजन यानी नॉर्थ रीजन की बात किया जाए, उसमें दोस्तों थोड़ा सा परसेंटेज आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिल्ली का ही ये दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट है, तो वहां पर थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा लगता है। हमने आप सभी को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ओवरऑल की आंकड़ा दिया था कि 55% आप लोग मान लीजिए मैक्सिमम, उससे कम ही आप लोगों का अटेंडेंस लगा है। आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और आप लोगों को मैं बता दूं आपका आंसर की, प्रीवियस वीडियो में ही हमने बता दिया था कि 26 अक्टूबर के आसपास यानी 26 से 27 अक्टूबर तक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही इसके बारे में जानकारी आएगी कोई और, आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को कटआउट से रिलेटेड बता दूं, आंसर की में आप लोग यदि 60% नंबर यानी 100 में से 60 नंबर अगर रा नंबर पा लेते हो, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल करने के लिए मौका बहुत कम मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी की अगर बात किया जाए, ये जनरल ओबीसी की मैं बात किया था 60 नंबर के आसपास, अगर एससी एसटी की बात किया जाए तो आप लोग यदि 45 नंबर के आसपास भी रा नंबर गेन कर लेते हो जो परीक्षा हुई है, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज ऑफ लगभग 10 से 15 नंबर कभी कभी 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं, तो आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसके अलावा जैसे ही कोई और अपडेट आएगी, डेफिनेटली आप लोगों तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।